हेलो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन बल्लेबाज तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के शानदार बल्लेबाजी के बाद उनके गेंदबाजों ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की और मुंबई इंडियंस आईपीएल 2023 का 25वां मुकाबला 14 रनों से अपने नाम कर लिया। टाटा आईपीएल का 25वां मैच जो कि खेला गया सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, जिसे जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने 14 रनों से। जी हाँ दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद के कप्तान माकरम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि काफ़ी गलत साबित हुआ। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और 20 ओवरों में 192 रन बनाए। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी में रोहित शर्मा 18 गेंदों में 28 रन, ईशान किशन 31 बॉलों में 38 रन और कैमरन ग्रीन ने नाबाद 40 बॉल में 64 रनों की शानदार पारी खेली। अंत के ओवरों में तिलक वर्मा ने 17 गेंदों में 37 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 शानदार छक्के लगाए। वहीं बात करें एसआरएच की गेंदबाजी की, तो मार्को जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवरों में 43 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा भुवनेश्वर और टी नटराजन ने 4-4 ओवर डाले और 1-1 विकेट अपने नाम किया। 193 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर हैदराबाद की शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं रही और उनके ओपनिंग बल्लेबाज हैरी ब्रूक जो कि 7 गेंदों में 9 रन बना के आउट हुए। इसके बाद पारी को मयंक अग्रवाल ने संभाला और 41 गेंदों में शानदार 48 रनों की पारी खेली। उनका साथ दिया राहुल त्रिपाठी ने, जो कि काफ़ी लंबे समय तक साथ नहीं दे सके और 5 बॉल में 7 रन बना के आउट हुए। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से उनके कप्तान ने 17 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली और हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज क्लासेन ने शानदार 16 बॉलों में 36 रन की पारी खेली और मैच में सनराइजर हैदराबाद को बनाए रखा, लेकिन वो सनराइजर हैदराबाद को जीत तक नहीं पहुंचा सके। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी की बात करें तो अर्जुन तेंदुलकर ने 2.5 ओवरों में 18 रन देकर 1 विकेट चटकाए, जिसमें भुवनेश्वर कुमार का विकेट शामिल था। बहन रोप ने 4 ओवरों में 37 रन देकर 2 विकेट चटकाए, वहीं मेरेडिथ ने 4 ओवरों में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो पीयूष चावला ने 4 ओवरों में 43 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जो कि काफ़ी कल महंगे साबित हुए। कैमरन ग्रीन जो कि ऑलराउंड प्रदर्शन किए और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन के बाद गेंदबाजी में भी 4 ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट चटकाया और यह मुकाबला मुंबई इंडियंस 14 रनों से जीत के अपने नाम कर ले। बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने के लिए कैमरन ग्रीन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।